कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। टॉपिक एनिमल में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बारीकी से बारीकी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम्स एवर। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एनिमल में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की छोटी सी डिफिनेशन समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम इज़ द ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी में जितनी भी वर्क हो रही है वो नर्वस सिस्टम के अंडर में हो रही है। कैसे वर्क होती है, आइए समझते हैं कुछ छोटे स्टेप्स के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उसके पार्ट्स नर्वस सिस्टम के। तो नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। यानी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड की हुई चीज़ें हैं वो है नर्व्स। और आपको पता है कि सबसे बड़ी जो सेल्स होती हैं वो कौन सी होती है, नर्व सेल्स। सबसे लंबी जो सेल्स होती है वो लेंथ में, वो होती है नर्व सेल्स। और सबसे जो बड़ी सेल्स होती है वो आपको पता है एग सेल्स, ठीक है। एग सेल्स ऑस्ट्रिच का जो कि सबसे बड़ा सेल्स होता है और सबसे लंबी सेल्स होती है ये लेंथ में। और तो बॉडी के जो मेजर जो पार्ट्स होंगे जो मैसेज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये कैसे होती हैं, ये फिगर से इसको समझते हैं। तो आपको दिख रहा है ये फिगर, हम लोग का ऊपर वाला या अपर वाला भाग जो हुआ ब्रेन आपको दिख रहा है, हम लोग की जो बीच की ये स्पाइनल कॉर्ड है ये आपको दिख रही है, और ढेर सारे आपको नर्व्स दिख रही हैं जो पूरे ऑल ओवर थ्रू आउट द बॉडी इसमें मौजूद है, उसे हम नर्व्स कहेंगे, ठीक है। तो उसमें का ब्रेन में जो जो मैसेज के ट्रांसमिशन में या ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं उस ऑर्गन के बारे में जानते हैं, यानी न्यूरॉन। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का एक बेसिक यूनिट जिसे न्यूरॉन कहते हैं, उसी से सेंडिंग और रिसीविंग का काम होता है। क्या हम समझ गए कि नर्व्स नर्वस सिस्टम का क्या होता है, एक बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन, ठीक है। तो ये न्यूरॉन कैसा दिखता है, क्या क्या मेजर पार्ट्स होते हैं, आइए समझते हैं इसको फिगर के साथ। तो आपको ये सिंपल सा और सुंदर सा फिगर आपको दिख रहा है जो न्यूरॉन का है, जिसे आपको दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। एक आपको ये बॉडी का, इसे हम कहते हैं सेल बॉडी ओवरऑल, आप इसे सेल बॉडी कहने के साथ आप साइटोन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साइटोन भी कह सकते हैं। तो ये इसकी एक्सॉन्स की लेयर्स हुई, इससे सेल्स गई है और ये लास्ट वाला यानी एंडिंग एग्जॉन्स हुआ। तो इसमें मेजर पार्ट समझ लेते हैं। ये बीज क्या आपको दिख रहा है, इसे हम आप साइटोप्लाज्मिक कंटेनिंग सेल्स कह सकते हैं, और ये आपका न्यूक्लियस हुआ। आगे जो नर्व सबकी निकली हुई है ऐसे ही, उसे रेसेनुमा या धागेनुमा संरचना, उसे डेंड्रेट्स कहते हैं, पूरी सेल बॉडीज हुई। और ये जो मैसेज का ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है बीज का, उसे हम एग्जॉन कहते हैं। एग्जॉन के ऊपर कुछ ऐसे सेल्स की लेयर्स बनी होती है, उसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। और बीच बीच में कुछ होता है सचवान सेल्स, और आगे जाकर ये मैसेज को ट्रांसमिट करने में या हेल्प करता है वो होता है एग्जॉन टर्मिनेटिंग या बटन या टर्मिनल एंडिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ट्रांसमिशन होती है, आइए समझते हैं इसको एलिबरेट फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है कि ये फिगर हुआ, दो एग्जॉन दो न्यूरॉन जो हैं आपस में क्या हुए, पास में आकर मैसेज का ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं या ट्रांसमिटिंग या मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो कैसे वर्क करते हैं, आप मैंने फिगर इसमें ये जो डेंड्रेट्स या सेल बॉडीज़ का स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया है, और एंडिंग का या नर्व एंडिंग का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो यहाँ बना दिया है। इस स्ट्रक्चर को हम चाहें तो रिवर्स करके भी समझ सकते हैं, आप जैसे चाहे बना लीजिए, मैं उसको डायरेक्शन बताऊँगा थोड़ा उल्टा हो जाएगा। तो ये मैंने बना दिया एंडिंग वाला, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये नर्व एंडिंग है, और नर्व एंडिंग को सेल बॉडी क्या करेगी, रिसीव करेगी, ठीक है। ये मैंने डेंड्राइट्स बना दिया, और एक बात को समझेंगे, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया,
ये इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गई और ये माइलिन शीथ के साथ ये एक्सॉन लेयर हो गई। ठीक है, तो आपको एक चीज़ जाननी है कि मैसेज ट्रांसमिशन की काम जो होती है या सेंडिंग और रिसीविंग की जो वर्क होती है वो कैसे होती है। तो आपको एक मैं स्केचिंग बताता हूँ। पहले जो मैसेज सेंड होता है वो केमिकल्स के रूप में होता है। किस रूप में? केमिकल के रूप में होता है सेंड होता मैसेज। वो इसमें जब सेल्स बॉडी में जाता है डेंड्राइट्स के जरिए रिसीव किया जाता है। ये जो होता है वो सेंडिंग का काम करता है। किसका? सेंडिंग का काम। और ये जो होता है वो रिसीविंग का काम करता है। ठीक है, ये रिसीविंग का काम किया तो ये केमिकल के एनर्जी के थ्रू या केमिकल्स के रूप में सेंडिंग का काम करता है। और रिसीविंग का जो काम होता है, यहाँ पर मैं सेंडिंग लिख देता हूँ और आपको दिख सकता है ये जो रिसीव करेगा वो किस रूप में करेगा? इलेक्ट्रिकल, सॉरी, आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि केमिकल्स के रूप में जाएगा। अब ये डेंड्राइट्स से रिसीव करेगा, आप देख सकते हैं। तो इस बीच जो होता है इस केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाता है। तो जाएगा डेंड्राइट्स में केमिकल के रूप में ही जाएगा पर उसे चेंज करेगा। किस रूप में चेंज करेगा सेल बॉडी में? उसे इलेक्ट्रिकल के रूप में क्या करेगा? मैसेज को चेंज करेगा। फिर वो नर्व इंडी के पास जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैं सेल बॉडी लिख देता हूँ और यहाँ पर आप चाहें तो नर्व इंडिंग लिख सकते हैं। नर्व इंडिंग के ज़रिए ऐसे वर्क होते हैं और इलेक्ट्रिकल में जब चेंज होगा वो सेल बॉडी में होगा। फिर वो नर्व इंडिंग में जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो चेंज हो जाएगा आपके केमिकल में। क्या होगा? केमिकल मैसेज किस में? केमिकल के रूप में चेंज हो जाएगा। तो आपको एक समझना होगा कि दोनों के बीच में जब मैसेज ट्रांसमिट होते हैं उस गैपिंग को सेनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेनेप्सिस कहते हैं, जहाँ की मैसेज केमिकल के रूप में ट्रांसमिट होती है। तो कैसे आपको समझ में आया कि जो नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन एक दूसरे से मिलकर मैसेज को सेंडिंग और रिसीविंग का वर्क करते हैं और हमेशा नर्व एंडिंग से मैसेज सेंड होता है और रिसीव हमारे डेंड्राइट्स से होती है, जो कि केमिकल्स एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके मैसेज को आगे बढ़ाता है। ठीक है, आप एक समझेंगे कि मैसेज को जो ट्रांसमिशन की जो थ्योरीज हैं, जो वर्क हैं, वो किन किन चीज़ों से हो सकती है। तो तीन तरीके की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि नर्व्स होती हैं वो होती हैं। जैसे कि पहला मैं बता दूँ, मोटर नर्व्स। दूसरा जो होता है आपका सेंसरी नर्व्स। और तीसरा जो एंडिंग और लास्ट जो होता है वो होता है आपका रिले न्यूरॉन, जैसे कह सकते हैं आप। किसको कह सकते हैं? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन या जिसे आप इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंटर न्यूरॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके चीज़ें हुई। अब ये तीन वर्क कैसे करती हैं आइए समझते हैं। तो आप इस फिगर को स्पीकर से समझ सकते हैं कि जब कोई आपको हीट हुआ, कोल्ड हुआ, कोई भी चीज़ें आपको अगर टच करने पर फील होता है तो कैसे वर्क करता है। जैसे ही आप किसी चीज़ को टच करते हैं, जैसे टच करेंगे तो आपके सेंस ऑर्गन से या आपकी स्किन से, आपके नोज़ से जो स्मेलिंग की चीज़ें होती हैं, एयर से साउंड की चीज़ें हो, टंग से टेस्ट की चीज़ें हो, तो इन सभी चीज़ों से अगर कोई चीज़ें गुजरती हैं तो वो ऑर्गन से आपके ब्रेन तक जाता है। दैट इज़ टू बी कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व। या एक समय से मैं ऐसे डायरेक्शन दिखा देता हूँ, अगर ऐसे हुआ तो उसे हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। ऐसे मैंने इंडिकेट कर दिया, गया ब्रेन के पास। ठीक है, ब्रेन के पास गया तो सेंसरी नर्व्स हुआ। और जब उसे आपको लगा कि हीट है या कोल्ड है, हमको हाथ हटाना है, तब ब्रेन से जो मैसेज गई वो आपको हाथ हटाने के लिए, तो उसे हम मोटर नर्व्स क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मोटर नर्व्स। आपने हाथ हटाने के लिए कहा तो मैसेज अगर ब्रेन से आया तो उसे हम मोटर नर्व्स यानी एम से इंडिकेट करेंगे। अब एक चीज़ें जो हुई अंतिम और जो लास्ट जो पॉइंट हुआ आइए समझते हैं उसको। जैसे कि आपको दिख रहा है रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, ऐसे सिस्टम जिसमें दो न्यूरॉन आपस में मैसेज को सेंडिंग और रिसीविंग का जब वर्क करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ा सा पहले, तो जैसे रिसीविंग का यहाँ पर जो डिस्टेंसेस जितनी वर्क होती है उसमें बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही फास्ट होता है। तो वो उस बीच में ना ही वो मोटर नर्व्स काम करती है ना ही वो सेंसरी नर्व्स काम करती है। वो करती क्या है? रिले न्यूरॉन या जिसे रिले न्यूरॉन या तो जिसे हम इंटर न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, यानी ये दो एक्सॉन के बीच में हो सकती है, आप कह सकते
दो न्यूरॉन के बीच में हो सकती है, विद इन न्यूरॉन, ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं विद इन न्यूरॉन। तो आपको समझ में आ गया कि मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और रिले न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन्स वर्क कैसे करती हैं, नर्व्स कैसे वर्क करती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि ऐसे रोज़ाना मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आपके नॉलेज के लिए अच्छा होगा, आपके लिए कैरियर के लिए अच्छा होगा। अगर आप इसे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इस चीज़ों को जान सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।